गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी 2 में वाक्य विचार एवं वाक्य शुद्धि। तो बच्चों, अभी तक हमने जो अलग अलग पार्ट हैं वो पढ़ते आ रहे थे, और हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमारा पार्ट चल रहा था क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था, जिसमें था कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, जो कि आपने अच्छे से समझा था। तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि अगर बुक नहीं निकालेंगे और बुक में जो है वो परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने अपने सभी ने अपनी बुक निकाल ली, निकाल लीजिए आप लोग सभी। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आगे हमारा पॉइंट है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो हमारा पहला चल रहा था कि क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, कृत, क्रम और भाव। ये तो हमारा हो गया था। ठीक है, अब हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार या 8 भेद हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब हम इसके जो प्रकार हैं उनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहला हमारा है बच्चों विधानार्थक वाक्य। पहला क्या है? विधानार्थक वाक्य। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा समझाती हूँ, फिर हम उदाहरण समझेंगे। तो बच्चों देखिए कि जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है वह विधानार्थक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, मतलब कि जैसे आप कोई भी काम करोगे, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हो तो वो उसी समय एट प्रेजेंट उसी समय वो कार्य होता हुआ पाया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मोहन खेलता है। ठीक है, मोहन खेलता है मतलब कि वो दिन में 2 बार खेलता है, 3 बार खेलता है या फिर लगातार खेलता है। उसमें जो कुछ क्रिया है वो लगातार चलती जा रही है, मोहन खेलता है। ठीक है, आया समझ में? एक बार और देखो कि विधानात्मक वाक्य में क्या होता है कि कोई भी जो हमारा जो किसी भी बात का कोई भी बात हो, कोई भी कार्य हो, उसका होना पाया जाता है। तो मोहन खेलता है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो मोहन है वो खेलता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चों निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य आपको बोलने से पता चल रहा है कि निषेध, निषेध मतलब यहाँ पे मनाही हो रही है किसी चीज की। ठीक है, तो मनाही का मतलब आप, जैसे मैं आपको पहले परिभाषा समझाती हूँ, जिस वाक्य में किसी बात के न होने का या किसी विषय के अभाव का बोध होता है, किसी बात का न होना या किसी विषय के अभाव का होना पता चलता है तो वहां पर निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हम, निषेधात्मक वाक्य में क्या पहचान होगी? नहीं, जहां पर अगर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो निषेधात्मक वाक्य है। जैसे उदाहरण देखते हैं पूरा, महेंद्र विद्यालय में नहीं है। ठीक है, तो ये निषेधात्मक वाक्य की पहचान है। ठीक है, इसी प्रकार अब हमारा जो तीसरा है प्रकार, वो देखते हैं अज्ञार्थक वाक्य। इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है कि अगर इसमें इसमें काम किसी भी चीज का बात का होना पता चल रहा है, निषेध में नहीं, ठीक है, वाक्य में नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये निषेधात्मक वाक्य कार्य का किसी भी काम का या किसी भी चीज का नहीं होना पाया जाता है। अज्ञार्थक, अज्ञार्थक में आपको पता चल रहा है आज्ञा। ठीक है, आज्ञा होनी, तो पहले परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या
है, हमें ये पता चलना चाहिए कि किसी के द्वारा आदेश दिया जा रहा है या किसी के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। उदाहरण देखते हैं, सोनू तुम गाना गाओ, मतलब कि एक व्यक्ति उसको दूसरे को कह रहा है कि सोनू तुम गाना गाओ, वो उसको आज्ञा दे रहा है कि सोनू तुम गाना गाओ, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आप क्लास से बाहर जाओ, राम तुम क्लास से बाहर जाओ, ठीक है, मतलब कि एक आज्ञा होती है उसमें, ठीक है। तो जिसमें हमें आज्ञा का ये संकेत मिलता है वो आज्ञात्मक वाक्य होते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं बच्चों, अगला है हमारा नंबर 4 प्रश्नार्थक वाक्य। अब इसमें भी देखो, नाम लेने से पता चल रहा है प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्रश्न की बात होगी। कैसे, देखिए, जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, मतलब कि प्रश्न करने का, क्वेश्चन करने का भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो। एक बार दोबारा देखो, जिस वाक्य में प्रश्नात्मक का भाव प्रकट हो या किसी भी विषय के संबंध में या किसी बात के संबंध में हमें ये पता चले कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न किया जा रहा है, तो वहां प्रश्नात्मक वाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि हमारा ये जो वाक्य है वो प्रश्नात्मक वाक्य है, ठीक है बच्चों। या फिर मैं अगर ये कहूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, नंबर पांच में है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, इसमें भी नाम जैसे हमारे प्रकार हैं, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार के वाक्य इनमें होते हैं। इच्छार्थक मतलब हमारे मन की इच्छा, ठीक है। जैसे देखें, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव हो, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। कैसे, उदाहरण देखो, भगवान करे तुम्हारा कल्याण हो, मतलब कि उसकी हार्दिक इच्छा है, उसकी दिल से इच्छा है दूसरे के लिए कि भगवान करे तुम्हारा कल्याण हो। या फिर जैसे हम कई बार किसी दूसरे को कहते नहीं है कि भगवान करे तुम चिरंजीवी हो, या भगवान करे तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तो ये हमारी दिल से इच्छा है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हमारा 6 पॉइंट संदेहार्थक वाक्य, ठीक है। इसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें संदेह, ठीक है, संदेह पता चलता है इसमें। कैसे, देखो, जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध होता है, ठीक है, या हमें संकेत पता चलते हैं, तो उसमें जैसे ये पता चलेगा कि जब कोई भी कार्य हो रहा है कुछ भी, तो उसमें संदेह या संभावना है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, ठीक है। एक बार वापस मैं आपको परिभाषा बताती हूँ कि जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो उसे संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम बच्चों, उन दोनों में से जाने कौन जीतेगा, हमें ये स्पष्ट नहीं है, हमें कुछ भी क्लियर पता नहीं है कि वो जो दोनों सामने खेल रहे हैं उन दोनों में से कौन जीतेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, शायद आज बारिश हो सकती है, शायद वो आज जयपुर जाए, मतलब कि कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, हर चीज में संदेह या संभावना होगी, वो हमारा संदेहार्थक वाक्य होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको ये अच्छे से जो सारे पॉइंट हैं वो समझ में आ गए होंगे। हमारे चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हैं और हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे संदेहार्थक वाक्य तक हमारा ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है संकेतार्थक वाक्य, ठीक है। इसमें भी हमें नाम से पता चल रहा है कि हमें जो है संकेत के आधार पर पता चलेगा कि हमें एक संकेत मिलेगा कि वाक्य जैसे
से हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये संकेत, इस वाक्य में संकेत मिल रहा है। तो एक बार हम देखते हैं परिभाषा इसके अंदर कि जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो, कंडीशन है ना, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले हम उदाहरण देखते हैं एक बार इसका, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबके हित की सोचोगे तो तुम्हारा हित होगा। ये कंडीशन रख रहा है कि सबके हित की सोचोगे तो तुम्हारा हो, तो तुम्हारा हित होगा। कि अगर केवल तुम अपने अपने बारे में सोचोगे, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा हित कभी भी, तुम्हारी भलाई कभी भी नहीं होगी। अगर तुम दूसरे की भलाई सोचते हो तो तुम्हारा भी भला होगा। इसमें कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा ये संकेतात्मक वाक्य होता है, जिसमें कंडीशन या संकेत होता है हमें पता चलता है वो संकेतात्मक वाक्य होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, विस्मय का मतलब जैसे किसी भी चीज एकदम हैरान, चौंक जाना है ना, चाहे वो खुशी हो चाहे डर हो कुछ भी हो। तो परिभाषा देखते हैं, जिस वाक्य में विस्मय आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। कैसा मनमोहक दृश्य है, मतलब कि वो कह रहा है कि कितना मनमोहक, मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला, मन को सुंदर लगने वाला, कि कैसा मनमोहक दृश्य है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अरे कितना सुंदर फूल है ना, या कितनी सुंदर जगह है। तो उसमें विस्मय वो ऐसे जैसे इन जिन वाक्यों में हमें ये पता चले कि हम एकदम से देख के चौंक जाए, आश्चर्य हो, तो वो विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको जैसे अभी तक मैंने जहाँ तक ये पूरे पॉइंट समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हम कंटिन्यू आगे चलते हुए अब हमारा अगला प्रकार होगा, जैसे अभी हमने क्या देखा था, अर्थ के आधार पर, पहले हमारा क्रिया का चल रहा था फिर अर्थ का, अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तीन प्रकार, रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं, तीन। ठीक है, अब हम इसको आगे लगातार पढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के मैंने अभी आपको बताया कि कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। ठीक है, जिसमें अब हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रकार कौन सा है। पहला प्रकार हमारा है साधारण वाक्य। ठीक है, इसमें पहले मैं आपको परिभाषा समझाती हूँ एक बार कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। ठीक है, कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नीतू खाना बना रही है, हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि ये वाक्य एक है और बिल्कुल साधारण वाक्य है। ठीक है, कि जो खाना है वो नीतू के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। इसी प्रकार अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित आपको नाम से पता चल रहा है कि मिला जुला वाक्य, मतलब कि दो वाक्य। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक बार दोबारा देखो बच्चों कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म
है। ठीक है, दोबारा देखो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। तो अब इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैंने अभी आपको जैसे अभी परिभाषा समझाई, बताइए ना, इसमें मैंने क्या कहा कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो पहले हम एक बार उनको समझेंगे, फिर हमें ये समझ में आएगा कि हमारे ये दो उपवाक्य इसमें किस प्रकार है। तो बच्चों आइए देखिए, मैंने अभी आपको इसमें नाम लिया कि मिश्रित वाक्य में एक होता है प्रधान उपवाक्य, ठीक है, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। तो पहला है प्रधान, तो प्रधान उपवाक्य कैसे देखते हैं, जैसे लिख रखा है भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, महावीर स्वामी ने कहा, ठीक है, तो इसमें महावीर स्वामी ने कहा, तो इसमें महावीर स्वामी जो मेन कार्य को करने वाला है, मेन कार्य को कहने वाला है, वो है प्रधान उद्देश्य कर्ता। ठीक है, मेन उद्देश्य वही होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और कहा उसने क्या कहा, वो है विधेय। ठीक है, आया समझ में, कि जो महावीर स्वामी, ये तो है प्रधान उद्देश्य, इसके बारे में बात हो रही है, और वो क्या कह रहे हैं, वो विधेय। अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रधान उपवाक्य क्या है, कि इसमें हम ये देखते हैं कि प्रधान उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार अब है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि इसी का ही आगे का पार्ट है ना ये, तो अब ये तो हो गया प्रधान और ये हो गया विधेय, उद्देश्य और विधेय। अब हम इसमें देखेंगे कि अहिंसा परम धर्म है, कि अहिंसा परम धर्म है। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा उद्देश्य और ये हमारा विधेय, और ये इसके ऊपर आश्रित है, मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि अहिंसा परम धर्म, ये हो जाएगा हमारा आश्रित उपवाक्य, मतलब कि उद्देश्य क्या कह रहा है, उसका विधेय क्या है, आश्रित उपवाक्य, मतलब कि जो व्यक्ति के द्वारा जो चीज कही जा रही है, बताई जा रही है, वो आश्रित उपवाक्य में आएगी। तो अब आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हमारा ये वाक्य है, निश्चित वाक्य किस प्रकार है। इसमें महावीर स्वामी ने कहा, यहाँ तो प्रधान उपवाक्य आ रहा है, कि अहिंसा परमो धर्म है, ये आश्रित उपवाक्य आ रहा है। इसमें दो वाक्य मिले हुए हैं, अब आपको ये समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी इसके और पार्ट, आश्रित उपवाक्यों के थोड़े और पार्ट और हैं जो आपको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में इतना ही, हमारा जो चैप्टर है उसको आज इतना ही समझेंगे, और आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों मैंने आपको जो ये समझाया, आपको इसका रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इसको नहीं समझेंगे, वापस इसका रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़कर नहीं समझेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे इसका, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो बच्चों यही आपका एक बार अभी ये होमवर्क है, बाकी जो होमवर्क होगा वो PDF के थ्रू मैं आपको दूंगी, लेकिन अभी आपको इसका जो रिवीजन है, यही आपका मेन इम्पोर्टेंट जो है वो होमवर्क है। तो बच्चों हम अगले का, हमारा जो आगे का पार्ट है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।